ये घी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कहते नहीं है कि किसी की माँ ने दूध पिलाया हो, तो मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी ने अपने नेता को घी खिलाया हो और ज्यादा पहलवान हो तो लंगोटी बांध आ जाए सामने, और हम ज्यादा से ज्यादा जनता में इनको फैला रहे हैं कि भाई मेरे लिए समर्थन आप मांगो ना मांगो, जनता को मैं कह रहा हूँ, जनता को लगता है जाए लड़ाई लड़ी है तो मांगो। कोई से भी परिवार का इनके किसी परिवार के पहलवान न लिए और 21 साल का संघर्ष है। पिछले लंबे समय से सरकार के साथ जनहित की लड़ाई लड़ने वाले नवीन जैन ने अब राज्यसभा चुनाव के लड़ने की तैयारी की है। इस वक्त हमारे साथ नवीन जैन है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपोर्टर जी में, क्या कहेंगे किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या सोच के राज्यसभा चुनाव लड़ने की सोची? सोचा तो कुछ भी नहीं, जनता ने कहा भी लड़ो क्योंकि कोई लड़ नहीं रहा, विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है तो आप लड़ो, तो इसलिए मैंने तो मैं हो गया। अभी विधायक जी हमारे मैम से हैं, एक विधायक है बलराज जी, उनका समर्थन आया है, कुछ विधायकों के फोन आए, बाकी हमने सारे विधायकों के नंबर जारी कर दिए हैं पूरी जनता से, पूरा जनता को कह रहे हैं कि भाई आप विधायकों को फोन करके समर्थन मांगो, और मेरे लिए समर्थन मांगो ना मांगो अपनी समस्या कम से कम जरूर है उनसे। क्या लगता है कांग्रेस के पास क्यों नहीं है कैंडिडेट राज्यसभा चुनाव? अगर मेरे को क्या पता भैया, तो कहाँ छोड़ोगे कुछ, अब डरते होंगे लोग, ईडी दे सी डी दे सी बी आई दे मॉल दबा रखा है, कोई भी सभी पार्टी आओ सारे नेताओं के पास मॉल है, अपने पास कुछ है नहीं, मतलब तंबू मरूँ, तो हमने तो इसीलिए कहा भाई आम घर के जो बच्चे होते हैं वो भी तो ट्राई कर सकते हैं, ये जरूरी थोड़ी है 100 करोड़ वाला ही, अब राज्यसभा में तो यही गाते हैं 80% उम्मीदवार, 90% उम्मीदवार तो 100 करोड़ वाला ही गाते हैं। अब तो एक पूर्व मंत्री लगा रहे हैं आरोप 100 करोड़ का, तो क्या लगता है ये 100 करोड़ में सच में मिलते टिकट? हाँ नहीं हुआ, पूर्व मंत्री अगर कह रहे हैं तो देखो उनका अनुभव ज्यादा है, तो उनका तो देखो मैं कैसे ये मना करूंगा, मैं सबके सब तो नहीं कहूंगा लेकिन 90% तो मुझे लगता है ऐसे ही जाते होंगे, और मेरे पास तो है नहीं भाई, मेरे पास तो संघर्ष है 21 साल का, उस संघर्ष के दंगल में किसी ने आना हो बीच में आंगुली घुमा रहे हम तो किसी में दम होता आ जाओ, अब किसी भी पार्टी ने अपन नेता को घी खिलाया क्या किसी को, तो उसकी दोस्ती संघर्ष के दंगल की है, सबसे ज्यादा केस हैं, सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए, सबसे ज्यादा लाठियां लगी, सबसे ज्यादा तारीख भुगत रहा, चाहे फैमिली आईडी बीपीएल बुढ़ापा विकलांग विधवा पेंशन है, चाहे सरपंचों के साथ लड़ाई, चाहे बेरोजगारी है, चाहे थारा फूफा जिंदा है, चाहे बेरोजगारी की बरात है, कितने इशू है, चाहे एसवाईएल का है, चाहे नया अलग हाईकोर्ट, चाहे नई राजधानी, कोई बोल रहा है आपने सुना है कभी ये वर्ड कोई कुछ नेताओं के मुंह से, और ये मेन रिक्वायरमेंट है। अब गुड़गांव में पोस्टर पास मैंने देखे, मैं आया था, इतने पोस्टर ला रखे, ये पोस्टर लगाने वाले जो गुड़गांव के लोग परेशान थे फैमिली आईडी से बीपीएल विधवा विकलांग या और बहुत से इशू है गुड़गांव के, तो कभी कोई सड़क पे कौन आते हैं बताओ, वो मुट्ठी भर लोग आते होंगे बेचारे, पोस्टर तो 1000 लग रहे हैं। तो गुरुग्राम के विधानसभा के आसपास जितने विधानसभा उनमें से किसी को आपने मिलने की कोशिश करी हो कि नहीं विधायक? नहीं अभी हमने समय मांगा, अभी हम लोगों को ही कह रहे हैं फोन करो, सबसे मिलने भी है, टाइम लेंगे वैसी बात। तो नवीन जी विपक्षी दलों से ही मांगोगे आप समर्थन या पक्ष वाले से भी मांगो, लेकिन पक्ष से एज ए पार्टी नहीं मांग सकता, पार्टी मांगना तो मेरा व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि अब वो कहेंगे यार 9.5 साल हमारे पीछे लगा रहा तू, अब हमसे समर्थन मांगा है, क्योंकि 20 साल में तो लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां बदला अदला बदला कि मेरा पता कौन कहाँ क्या कर रहा है, एज ए विधायक मांगूंगा और मुझे लगता है कि सबका दीन ईमान ऐसा है नहीं भी क्या हुआ है, अंतरात्मा की आवाज से बहुत से विधायक हैं जिन्होंने फोन किया भी है कि भाई हम साथ हैं। नवीन जी क्या कुछ हरियाणा में कमी देखते हो? पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार बनी है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है, वहीं विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि लगातार जो आईडी की रेड पड़ रही है और पड़ भी रही है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर सरकार काम ढंग से नहीं कर रही, मैं तो लड़ाई लड़ी है यार एक दर्जन के, तो ये विपक्ष कौन सी गुफा में घुसा हुआ था, क्यों गुफा उफा थी क्या, क्यों डरो मैं भी लड़ रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतने विधायक हैं, तो ये डर जो डर है ना वो डर होगा इनका, इसलिए नहीं ये कहने से कि अब तो 2-4 महीने से तो आपको दिखे चुनाव है ना आरोप आरोप, अरे तुम सड़कों पे उतरो, अपनी रैली भी तो करते हो, अपने जलसे भी तो करते हो, अपने रोड शो भी तो करते हो, किसी मुद्दे को लेकर भी तो लखड़ो प्रदर्शन के लिए, पुलिस की लठ भी तो खाओ, केस भी तो भुगतो, तब पता चलेगा। एक लास्ट सवाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान में कहा था जेजेपी दुष्यंत चौटाला जो है बीजेपी से मिले हुए हैं, अगर दिग्विजय चौटाला को वह इस राज्यसभा चुनाव वाले टिकट पे खड़ा करते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे। मतलब एक बात होता है, ये जेजेपी वालों कहते हैं बीजेपी से मिले, बीजेपी वाले कहते हैं जेजेपी वाले कहते हैं ये बीजेपी से मिले हुए हैं, हुड्डा बीजेपी से मिले हुए हैं,
अब हुड्डा साहब और दुष्यंत चौटाला साहब बताऊंगे ये बात तो, अब वो कह रहे हैं दिग्विजय को उठा दो, क्यों भाई, ये कुछ परिवारों में जो बालक पैदा होगा वही एमएलए भी बनेगा। अरे और भी तो है, मैं नियत कहूँ कोई से भी परिवार का इनके किसी परिवार के पहलवान में ले आइए और 21 साल का संघर्ष पता करें। तो ये हमारे साथ नवीन जैन थे जो लगातार सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों को उठाते आए हैं। इन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि वे अब राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुरुग्राम से रिपोर्टर जी के लिए हिमांशु ने